सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं भारत सेन आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए आपके लिए कंप्लीट नैनोप्लास्टिया प्रोसेस एंड नैनोप्लास्टिया कैसे करते हैं। मैंने कुछ भी स्किप नहीं करा है, इवन आयनिंग ब्लो ड्राई, हर एक चीज की प्रोसेस को थोड़ा लंबा भी रखा है ताकि आप लोग इजीली समझे। तो सबसे पहले हम लोग शैम्पू कर रहे हैं जो कि W1 का यूज कर रहे हैं। अभी जो हम लोग ट्रीटमेंट करने वाले हैं वो W2 कर रहे हैं। W1 का शैम्पू इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एक नॉर्मल एंड प्रीमियम शैम्पू है, जिसकी वजह से हम इसको चारों जो इसके नैनोप्लास्टिया फ्लोरा एक्टिव के जो ट्रीटमेंट्स आते हैं उसको सभी में यूज कर सकते हैं। वो प्रीमियम शैम्पू है इसी वजह से, ठीक है। शैम्पू की अगर मैं बात करूं तो शैम्पू के अंदर ना ही पैराबिन बिल्कुल फ्री है, ये सल्फेट के कुछ माइल्ड इंग्रेडिएंट बोलती है कंपनी, बट मुझे वो भी थोड़ा माइल्ड ही लगा है, मतलब इतना खास लगा नहीं अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं तो, ठीक है। शैम्पू खत्म करने के बाद में हम क्लाइंट को इस टाइप से थोड़ा टॉवल से टैप कर देते हैं ताकि क्लाइंट को चेयर तक जाने में ईजी हो, ठीक है। अभी हम लोग चेयर तक पहुंचाने के लिए इस टाइप से प्रॉपरली ले लेते हैं ताकि क्लाइंट जब चले तो वो खुले ना। प्रॉपर राउंड करके आपको कान के पीछे टक कर देना है, एंड अगर आप चाहे तो जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी आगे की ओर लेके टक कर सकते हैं, बट हमें बहुत क्लोज जाना था तो हमने टक नहीं करा, ठीक है। चेयर पे लाके आपको 100% ब्लास्ट ड्राई करना है। ट्राई करो डायरेक्शन वाइज हो तो, जिसकी वजह से क्या होगा आपको सुलझाने में इजी रहेगा। आप लोगों को बार बार उलझेगा नहीं बाल ना, आप इधर उधर उड़ाएंगे तो बाल क्या होता है, वो हेयर है वो उलझ जाता है बहुत जल्दी से। तो आपको ट्राई करना है कि आप लोग ऑन डायरेक्शन उसको सुलझा ले ताकि बाल सूख भी जाएगा और सुलझ भी जाएगा, जिससे आपका एक प्रोसेस बचता है, ठीक है। अभी हम लोग जो सेकंड प्रोसेस करने वाले हैं वो है इल्यूमिनेटर सीरम। इल्यूमिनेटर सीरम जो होता है ये पीएच बैलेंसर, पोरोसिटी बैलेंसर एंड यहाँ पर हेयर पे हीट प्रोटेक्शन का वर्क करता है। मैम की हेयर की हिस्ट्री की बात करूं तो रूट से लेकर मिड तक का, जो मिड भी नहीं बोलूंगा, जस्ट 4 से 5 इंचेस जो बाल है वो वर्जन है, उसके नीचे के बाल पे प्रीलाइटेड हुआ था रिसेंटली, मुश्किल से 1 वीक पहले एक सलोन ने इनके हेयर को ओवर प्रोसेस कर दिया था, जिसके वजह से वो आज नैनोप्लास्टिया कराने आए। यहाँ पर हम लोग देख सकते हो आप, जैसे कि हम लोग W1 यूज कर रहे हैं फ्लोरा एक्टिव का, ठीक है। हेयर हिस्ट्री पे वापस आ जाता हूं मैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको एप्लीकेशन का भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हेयर हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो मिड लेन के बाद से नीचे के पूरे एंड तक का बाल उनका ओवर प्रोसेस है, जिसको ब्लैक कलर से उन्होंने कवर कर दिया था ताकि मैम को पता ना चले, बट मैम काफी बार क्लाइंट ये करवाते रहते हैं ट्रीटमेंट्स वगैरह एंड स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग डिमांडिंग ऑल थिंग्स, सो इस वजह से उन्हें क्लियर फील हो गया था कि नहीं आज मेरे बाल खराब हो गए, तो आज वो हमारे पास में फ्लोरा एक्टिव कराने आए क्योंकि उन्हें पता है कि ये नैनोप्लास्टिया जो है वो कम्प्लीटली केमिकल फ्री है, ठीक है। जो एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन का नाम है रैपिडो एप्लीकेशन, जिसको हम लोग बहुत फास्टली कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज करी गई है नैनोप्लास्टिया की, तो वो बहुत फास्ट अप्लाई हो सकता है, ठीक है। हर एक हेयर पे लगना जरूरी है, बाकी रबिंग या मनी टेक्निक यूज करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन के बाद में हम लोग 1 आवर रख रहे हैं। इस प्रोसेस में आप लोग उनके हेयर को क्लीन रैप या फिर शावर कैप से कवर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 1 आवर रखने के बाद में हेयर को इस टाइप से ओपन कर लेंगे। एक नॉर्मल सी प्रोसेस और है 10% रिंस वाली, लेकिन मैं मेजरली उसको स्किप कर देता हूँ क्योंकि मेरे कई बार उससे रिजल्ट बिगड़े हैं। काफी बार क्या होता है कि प्रोडक्ट कम नहीं निकलने के बजाय ज्यादा निकल जाता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, वो प्रोसेस भी सही है, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप लोग ना करो, डायरेक्टली मीडियम हीट पे ब्लास्ट ड्राई स्टार्ट करो। ब्लास्ट ड्राई में इस टेक्निक से करता हूँ, देन ब्लो ड्राई करना है स्ट्रेट फॉर्म में, जैसे कि हम लोग नॉर्मल करते हैं। दोनों ही चीजें मीडियम हीट पे होगी, किसी प्रकार से आपको फुल हीट या कोई अनवांटेड हीट यूज नहीं करना है, ठीक है। सो जब तक हम लोग ब्लो ड्राई कर रहे हैं तब तक आपको प्रोडक्ट डिटेल दे देता हूं मैं। हम लोग यहाँ पे फ्लोरा एक्टिव के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर 2 वेरिएंट आते हैं नैनोप्लास्टिया में। फर्स्ट इज W1, सेकेंड इज W2। W1 जो है वर्जन हिना कोटेड एंड बॉक्स कलर के ऊपर यूज होता है, एंड जो W2 है वो यूज होता है ऑल टाइप ऑफ केमिकल है, लाइक प्रीलाइट करा हुआ है, स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनिंग या और कुछ जैसे कैराटिन बोटॉक्स प्रोफेशनल कलर, इन सब हेयर के ऊपर W2 यूज होता है। अभी हम लोग जो आयन कर रहे हैं ये हो रहा है हमारा बहुत फाइन सेक्शन पे, प्लस रूट टू मिड ही मैं हाई टेम्परेचर ले रहा हूँ। बाद के हेयर को मैं किस टाइप से करूंगा वो मैंने आगे बताया है, एंड हाई टेम्परेचर क्यों ले रहा हूँ क्योंकि रूट टू मिड जो है मेरा वर्जन हेयर है ऑलमोस्ट, ज्यादा नहीं लेकिन हाँ प्रोफेशनल कलर ही यूज करा हुआ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा हेल्दी है। जब मैं रूट टू मिड खत्म कर देता हूँ तो मैं इस टाइप से मोटे सेक्शन को करके लो टेम्परेचर करके अपने हेयर को
नीचे की डायरेक्शन पे कवर करता हूँ। इससे बेनिफिट क्या होता है, नीचे वाला हेयर वीक है, बहुत कम टेम्परेचर पे भी वो प्रोडक्ट को एक्टिवेट कर देगा, चाहे स्ट्रेट लुक की बात हो चाहे शाइन की बात हो। लेकिन ऊपर वाला स्ट्रांग हेयर है तो वहां पर हाई टेम्परेचर एंड हाई आपको पासेस लेना पड़ते हैं, या आप जो स्ट्रोक बोलते हैं या फिर बोलते हैं कि हम लोग जो मूवमेंट है आइनिंग का, दैट इज ठीक है। काफी लोग क्या करते हैं 230 से स्टार्ट कर 230 तक नीचे करो, और आपको अधिकतर आइनिंग गाइडलाइन ऐसे ही मिलती है, बट मैं आपको प्रॉपरली देना चाहता हूं, इसलिए मैंने अपनी जो एक्सप्लेन जो क्लियरलिटी करी है वो आपको एक्सप्लेन करा है ठीक है। आपको ऊपर से नीचे तक आइनिंग इसी टाइप से करना है। अगर आपको लग रहा है कि यार ऊपर के इसमें थोड़ा सा राउट लग रहा है, तो ये लो टेम्परेचर वाली आइनिंग आप ऊपर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। वापस मैं प्रोडक्ट पे आ जाता हूँ। सो अगर मैं W1 की प्रोसेस की बात करूँ तो मैं आने वाली एक वीडियो में बताने वाला हूँ। जब तक कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करो अगर मेरी डिटेल आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो, एंड जब तक हम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं हम हेयर वॉश कर देते हैं। तो अभी हम लोग 2 से 3 मिनट रुके हैं यहाँ पर और रिंस के लिए लेके आए 2 से 3 मिनट, ताकि हेयर थोड़ा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा वो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए ठीक है। पूरा 100% रिंस करना है, और हम लोग सेम डे ही रिंस कर रहे हैं, कोई नेक्स्ट डे नहीं बुलाया है या कुछ ऐसा नहीं करा है। नैनोप्लास्टिक की मेन पहचान यही है कि कोई प्यूरिफायर या अदर ऐसा कोई शैम्पू प्री शैम्पू जैसा यूज नहीं होता है, प्लस सेम डे वॉश होता है। आप सेम डे ही इसके ऊपर कलर डिपॉजिट कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोरा एक्टिव के नैनोप्लास्टिक के साथ ही होता है, क्योंकि ओरिजिनलिटी में फ्लोरा एक्टिव के पास ही नैनोप्लास्टिया है फिलहाल तो। बाकी अगर इन फ्यूचर आता है तो आई डोंट नो, अभी अगर मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सो हमने यहाँ पे जेंटली रिफ्रेश वॉश करना है, कोई रबिंग या कुछ ऐसा नहीं करना है। हाँ, स्कैल्प पे आप थोड़ा सा कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से थोड़ा प्रोडक्ट लग गया होगा या कुछ ऐसा, तो आप स्कैल्प के ऊपर अच्छे से रब कर सकते हो। पूरा स्केल पे से निकालने, लेंथ पे से पूरा प्रोडक्ट निकालने के बाद में आप रिंस करेंगे 100%। रिंस में ध्यान रहे आपका कि पूरी तरीके से शैम्पू निकल जाए, प्लस कोई रबिंग नहीं करना है लाइक लेंथ के ऊपर। स्केल पे थोड़ा सा कर सकते हो बट लेंथ के ऊपर कोई रबिंग नहीं करना है, जेंटली वॉश करना है ताकि आपके हेयर पे से स्ट्रेट फॉर्म में ही पूरा वॉश निकल जाए, है ना, एंड हेयर पे से पूरा प्रोडक्ट निकल जाए ठीक है। प्रोडक्ट निकालने के बाद में हम लोग W21 का ही जो ले रहे हैं शैम्पू कंडीशनर ले रहे हैं। कंडीशनर की अगर मैं बात करूँ तो 3-in-1 है। 5 मिनट के लिए रखते हो तो एज अ कंडीशनर वर्क करता है, 10 से 15 मिनट रखते हो तो एज अ मास्क वर्क करता है, एंड अगर आप नॉर्मली आफ्टर वॉश या ड्राई हेयर के ऊपर लगाते हो तो एज अ लिविंग भी वर्क करता है, आप एज अ लिविंग भी रख सकते हैं ठीक है। ऐसा कंपनी से हमें इन्फॉर्मेशन है, बाकी हमने करके देखा है, काफी हेल्पफुल है एंड रिजल्ट इतना प्यारा है इस शैम्पू कंडीशनर के। इवन सम टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हेयर पर ड्राइनेस आ गई क्लाइंट को करने के बाद में, आप ये शैम्पू कंडीशनर कर दो, दैट्स इट, आपकी रीसर्विस रुक जाएगी, आपको रीसर्विस नहीं करना पड़ेगी ठीक है। सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई कंडीशनर करने के बाद में, लाइक यहाँ पर डीप कंडीशनिंग करते हैं ना हम लोग, बिल्कुल वैसे ही अप्लाई करना है। यहाँ पर कंडीशनर करने के बाद में आप उसको कॉम कर सकते हो, कॉम करने के बाद में आप 10 से 15 मिनट रख देंगे, 10 से 15 मिनट रखने के बाद में सिमिलर टू रिंस कर देंगे ठीक है। रिंस करने के टाइम तक आप, जब तक अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस, आपकी एक एक लाइक एक एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत हेल्प मिलती है। एंड अगर आप कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपके क्या चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताइए, मैं ट्राई करूंगा जिस चीज से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा कमेंट होगी हम उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। फिलहाल हम लोगों ने मैम के हेयर को कम्प्लीटली रिंस कर दिया, सारा प्रोडक्ट निकाल दिया है, अभी हम लोग 100% ड्राई कर रहे हैं ठीक है। 100% ड्राई फॉर्मेट भी मेरा वही रहेगा, डायरेक्शन वाइज, इसलिए मैंने 4 सेक्शन निकाल लिया है। बैक के दोनों सेक्शन को डिवाइड नहीं करता हूं, लेकिन फ्रंट के दोनों सेक्शन को डिवाइड कर देता हूं। 4 सेक्शन के अंदर सिर्फ आप रूट जब सुखा रहे हो तब 4 सेक्शन पे सुखाइए, लेकिन जब लेंथ सुखा रहे हो तो चाहो तो आप बैक ला सकते हो, जैसे कि अभी मैं करा है यहाँ पर, एंड दिस इज अ रिजल्ट, लुक द रिजल्ट, वाओ व्हाट अ शाइन। हमारे क्लाइंट बहुत हैप्पी है, उनका ओवर प्रोसेस हेयर भी कम्प्लीटली कवर्ड हो गया है, एंड शाइन एंड फ्रिज भी पूरी तरीके से कवर हो गया है। सो लुक द रिजल्ट, एंजॉय। When the dark